बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। किसने लिखे ये डायलॉग्स? आखिर कहां से आए डायलॉग्स? आखिर क्यों लिखे गए? आदि पुरुष रिलीज हुई तो जैसे कोहराम मच गया हो, हर जगह विरोध की आंधी नजर आ रही है। हर कोई फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर के ओर भला बुरा कहने में लगा है। अब ऐसे में मेकर्स के पास इन लाइनों को बदलने के अलावा और क्या ही ऑप्शन था? कर दिया ऐलान कि बदल दिए जाएंगे सभी विवादित डायलॉग्स। एक हफ्ते के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर फिल्म को दिखाया जाएगा। तो लीजिए बदल दिए गए सभी आपत्तिजनक डायलॉग्स, हनुमान जी के हो या रावण के। मेकर्स उन 5 डायलॉग्स को चेंज करने पर काम कर डाला जो दर्शकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। फिल्म इन सभी चेंजेस के साथ सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। आप अपनी टिकट के पैसे खर्च करके वापस उसे देखने जाएं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो एक क्लिप है जहां पवन पुत्र हनुमान जी के डायलॉग्स की नई डबिंग सुनाई पड़ रही है। सुनाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोलते तो वो पहले वाले डायलॉग्स ही दिख रहे हैं जो बिल्कुल भी इम्पैक्ट डालती नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों फिर करा ली फसीहत? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है। वो मुड़ते हैं, मेघनाथ से कहते हैं, कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरे लंका की, जलेगी भी तेरी लंका ही। अब इस डायलॉग में कितना दम है और ये दर्शकों पर किस कदर प्रभाव डालेगा ये तो जनता ही तय कर सकती है। लेकिन हमारी माने तो एक इतनी बड़ी फिल्म के लिए महज डायलॉग्स के रीडबिंग से काम नहीं चलने वाला है। आदि पुरुष 600 करोड़ के बजट में बनी है। इसमें अव्वल दर्जे के VFX का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी क्रिएटिविटी का सुपर यूज, उसमें आपको करेक्टर्स के मुंह से ऐसे डायलॉग सुनने को मिले, लेकिन लिपसिंग ने सारा खेल खराब कर दिया। सुनाई भले लंका दे लेकिन दिखाई बाप भी दे रहा है। इससे बड़ी चूक आखिर क्या ही हो सकती है? आखिर क्यों मेकर्स चूक पर चूक कर रहे हैं? हालांकि बात ये भी सही है कि एक बनाई फिल्म में बदलाव करने में कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसमें काफी खर्चा भी आता है। साफ बात है कि फिल्म के मेकर्स और मनोज मुंतशिर ने 5 डायलॉग्स को लेकर खासी नाराजगी झेली है। फिल्म पर जितना और जिस कदर प्रभाव पड़ा था वो पड़ चुका। अब तो सिर्फ लिपा पोती ही करनी है तो कर दी, डायलॉग्स को मॉडिफाई कर दिया, बाकी लोगों के ऊपर है फिल्म को देखना या ना देखना। मेकर्स ने पल्ला झाड़ लिया, दर्शकों को फिल्म के डायलॉग्स पसंद आए ना ही VFX, ना ही कैरेक्टर्स के गेटअप। अगर ओम राउत ने आदि पुरुष को रामायण की कहानी पर आधारित ही फिल्म बनाया था तो भी ये तमाम बदलावों के बाद भी दर्शकों से जुड़ने में नाकाम रही है। लुढ़कता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे बाय डे। बात करें आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उसमें पहले से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है। 16 जून को फिल्म रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन 140 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही आदि पुरुष की कमाई रविवार के मुकाबले 75% से भी ज्यादा कम हो गई। रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए ही कमाए। कुछ खबरों की माने तो सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 16 करोड़ रुपए ही हुआ। वही बात दूसरे दिन की करें तो फिल्म का कलेक्शन गिरकर 10 करोड़ के आसपास आ गया है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म की तो लंका लग चुकी है, अब इस फिल्म को बचाने के लिए कौन आएगा ये देखना होगा। भाई।